हेलो दोस्तों, मैं मंडल सर एमएस चंद्रावती यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज का वीडियो देखेंगे चैप्टर 2 बहुपद पॉलीनोमियल्स। हंसता चेहरा खिलता फूल, मंडल सर की भाषा छात्र अनुकूल। हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग का समझ में आएगा। तो बहुपद स्टार्ट हम लोग बैसी के माध्यम से बहुपद पहले समझेंगे। आप लोग का बैसिक बहुत जरूरी है, तो हम लोग स्पेशल हिंट थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेशल हिंट के रूप में हम लोग देखेंगे चर और अचर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता है चर कहलाता है। जैसे x, y, z, डॉट। अचर जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है। जैसे a, b, c, d, ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा। गिनती की संख्या को भी हम लोग अचर कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत। जिसका मान बदलता है क्या कहलाता है? चर। जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है। जैसे हम लोग देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शुरू में जो रहेगा वो अचर कहलाएगा और अंत में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? चर। जैसे ए बी सी ये क्या है? अचर। और लास्ट में जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स ये क्या है? चर। ए बी सी अचर है, एक्स स्क्वायर एक्स चर है। जैसे में रहेगा 2x² + 5x - 9। एक्स स्क्वायर और एक्स चर है, 2, 5 - 9 अचर है। तो हम लोग जानेंगे बहुपद पॉलीनोमियल्स किसे कहते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जिस चर राशि का पावर प्लस में रहेगा बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x³ + 4x² + 9x - 8। जैसे जो भी चर है इसका जो पावर है ये +3 है, +2 है तो बहुपद होगा। फिर देखते हैं 9x² - 3x + 7, इसका पावर जो है 2, पावर जो है क्या यहाँ छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है, तो यह बहुपद होगा। तो का समझ में आ गया होगा कैसे जानेंगे बहुपद होगा। बहुपद नहीं होगा उसको पहचानने के लिए बता रहे हैं। यदि बहुपद नहीं होगा, अगर चर राशि अगर रूट में हो वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि पे पावर माइनस में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि अगर बाटा के नीचे रहेगा, भिन्न के हर में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए 2x² + 4√x - 3। देखिए तो एबीसीडी की संख्या जो चर है वो रूट में है, यह बहुपद नहीं होगा। जैसे 2x² - 2 - 4x + 5, चर राशि का पावर यहाँ कोची में है? माइनस में है, यह बहुपद नहीं होगा। जैसे 3x
स्क्वायर प्लस 5 बटे 5 माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5 बटे x माइनस 7 चर क्या में है, बाटा में है तो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब रूट में चर रहे, पावर चर का माइनस में रहे या बाटा के नीचे चर में रहे तो बहुपद नहीं होगा। हम लोग पद के आधार पर बहुपद मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होता है, एक पदी बहुपद, द्विबहुपदी बहुपद और त्रिबहुपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का एक पद हो, जिस बहुपद का एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x के पावर 3, 4x स्क्वायर, 5x, इस समय एकक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4, एक पद और एक पद, एक पद दो पद, तो दो पद हो गया। 5x स्क्वायर प्लस 10, एक पद एक पद, तो दो पद। जैसे 3x क्यूब माइनस 7x, तीसरे देखिए दो दो गो पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद का तीन पद हो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक दो तीन, तीन पदी बहुपद होगा। 5x क्यूब प्लस 10x माइनस 8, एक दो तीन, त्रिपदी बहुपद होगा। कहने का मकसद है जिसमें एक पद रहेगा एक पदी बहुपद कहलाएगा, जिसमें दो पद रहेगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा, जिसमें तीन पद रहेगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव ही चुनने के लिए देता है कि कौन इनमें से कौन एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, जहां अगर दिक्कत हो रहा है वहां वीडियो को स्टॉप करके ही नोट करते ही जाइएगा। तो अब देखिए, घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद देखिए, जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 5, इसका पावर घात कितना है, एक छिपा हुआ है, तो रैखिक बहुपद होगा। जैसे 5x माइनस 10, इसके पावर कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, पावर एक है, तो रैखिक बहुपद का समीकरण होगा। जैसे फिर देखिए अगला 10x, इसके पावर कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ हुआ है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात दो हो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इस पे पावर कितना है, दो है, इसका घात जो है दो है, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 10, इस पे पावर कितना है, दो है, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला देखिए त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात तीन हो, जिस बहुपद का घात तीन हो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, इसमें पावर कितना है सबसे ज्यादा, यहाँ तीन पावर है, तो त्रिघात बहुपद का समीकरण होगा। 4x क्यूब माइनस 8x
स्क्वायर प्लस टू, इस पे पावर हार्डली कितना है, तीन है, तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसका पावर एक हो, जिसका घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका पावर दो हो, जिसका घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसका पावर तीन हो, जिसका घात तीन हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आप लोग का समझ में आ रहा होगा, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते आप लोग चलेगा, नोट्स में आप लोग उतारते जाइएगा। जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको या लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह उतार ले, और इसको सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, अपने से ज्यादा अध्ययन करिए। तो धन्यवाद, ये आपका बहुपद पॉलीनोमियल्स का थ्योरी था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपके तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।